The question was conversion of this evolution of music to professionalism. Actually, जब देखा कि पैशन इतना जोर से है, घर वालों की बहुत सारी क्या कहते हैं उसे अगेंस्ट होने के बावजूद, एक दिन वाले साहब ने कहा भाई तुम क्या ये तुम्हारा मूड है, क्या करोगे तुम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये मैं कह सर पढ़ रहा हूँ मैं। क्या लगा ठीक है ये ग्रेड्स तुम्हारे अच्छे आते रहेंगे तो आई लेट यू कंटिन्यू दिस। समझदार माँ बाप जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त नेमत है माशाल्लाह। तो उन ग्रेड्स के इससे ग्रेड भी बढ़ते रहे और वो म्यूज़िक भी चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया डैडी ने बोला अच्छा तुम ये क्या करना चाहते हो स्टूडियो, तो डैडी ने कुछ पैसे दिए, कहने लगे जाओ लगाओ स्टूडियो, क्या होता है मुझे दिखाओ। तो वो सब कुछ अगले दिन आप सुबह नेपियर रोड पे थे और क्योंकि वहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसका तो मवाद हमारे पास बहुत दोस्तों की शक्ल में मौजूद था। अच्छा था। नहीं वो दुकानें थी ना वहाँ म्यूजिक की, जैसे लाहौर में नहीं नेपियर रोड पे नहीं थी। कहाँ पे हमारे ये दो दुकानें थी, ये सारी ज़्यादातर डिफेंस में थी। इधर ये सोलेना साहब का शोरूम, मेरा डायरेक्टर तो मुझे वही ले जाता था, कहता था गाड़ी में बैठ मैं कोई ड्रम, वो मल्टीपर्पज कामों के लिए। अच्छा तो फिर तो हुआ ये कि डैडी ने पैसे दिया म्यूजिक, फिर वो हमने कीबोर्ड शीबोर्ड खरीदा और ये सब कुछ, फिर वो गाने बनने। असल में इट स्टार्टेड ऑफ विद बैंड्स, जो अंडरग्राउंड बैंड। पहले आप लोगों के लिए म्यूजिक प्ले करते थे? मैंने बैंड बनाता था मैं। मेरा जितने आपको बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े नाम बताइए, बड़ी इंडस्ट्री के शुरू के बैंड हैं वो सब तकरीबन मेरे नाम बताइए। रॉजर्स, फाइनल कट, बारबेरियंस, पावर हाउस और भी कई बैंड माशाल्लाह। तो ये सारे बैंड्स जो रॉक पॉप बैंड्स थे, इन सब का कहीं ना कहीं या तो मैं मौजूद था या हिस्सा था। बिल्कुल ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स इस वक्त इधर उधर में मौजूद हैं, म्यूजिशियंस हैं, अब इस वक्त जो राहत फतेह के साथ बजा रहे हैं या आतिफ असलम के साथ बजा रहे हैं, ये उन्हीं उसी दौर के लोग हैं, जैसे समीर किश्वर, ये सब लोग उसी दौर के साथी हैं। तो वहाँ से फिर बैंड्स बजाते बजाते सिंगर्स जो थे, जैसे अली हैदर से दोस्ती हुई और वो मोहल्ले की दोस्ती थी, फिर वो होते होते बढ़ गई बहुत। लाहौर में नहीं कहते मोहल्ले की दोस्ती थी। अच्छा। सारे शाही लोग हैं ना वहाँ, इसलिए वो तकरीबन ऐसा ही था। जो आप जिसकी तरफ इशारे अली हैदर से दोस्ती वही थी क्योंकि पूरी रात घूमते थे। हाँ। और किसी के किचन में घुस जाते थे। पुरानी जीन्स की आमद कहाँ से हुई थी? पुरानी जीन्स की आमद हुई, साथ थे जब मैं तकरीबन साथ था, और वो जॉन मॉल का लिखा हुआ है एंड वेरी इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, one of the super hits of Pakistan. Absolutely. And Ali had this eye कि यार ये जो शायरी है ये जो इसको इस्तेमाल, क्योंकि वो यूथ से रिलेट करता था ना।